हाय गाइज, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपना सिस्टम विंडोज 11 में अपग्रेड करना चाहता हूं और आप विंडोज 11 की सभी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पे विंडोज 11 में अपना सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपग्रेड कर चुका हूँ, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। यहाँ पे जो टास्क बार है हमारी, वो उसके जो आइकन्स हैं, स्टार्ट बटन है, वो बीच में आ गए हैं। इसके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अपने ओएस के बारे में बता भी देता हूँ। सेटिंग में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम, देन अबाउट, और अबाउट में जाके आप देख सकते हैं जो हम इस वक्त अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज 11 प्रो अपडेट 21H2 ओएस बिल्ड, ये है। ठीक है, आज ही मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, आज ही मैंने इसको अपग्रेड किया है, जिससे कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं और किन के लिए अवेलेबल है। जो मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा वो एकदम जेन्युइन तरीका है, किसी तरीके की कोई आईएसओ फाइल नहीं है यहाँ पे, जस्ट आपके पास आपका विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना, जेन्युइन लाइसेंस के साथ आप डायरेक्ट उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ हल्के फुल्के फीचर्स बता देता हूँ विंडोज 11 के, जिससे कि आपको भी पता लग जाए कि भाई जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या यहाँ पे नई चीजें देखने को मिल सकती है, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ कमियां मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं, आई होप कि वो समय के साथ दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर्स के जो आइकन्स हैं यहाँ पे चेंज हो गए हैं। राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक का जो मेन्यू है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, उनका इंटरफेस चेंज हो गया है। पावर शेल वगैरह ओपन करने का डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ओके, और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट बटन को ओपन करें तो स्टार्ट बटन का भी इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो गया है। डायरेक्ट यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको मिलता है और सर्च का बटन भी यहाँ पे मिलता है, जिसमें आप ऑल एप्स, डॉक्यूमेंट, वेब वगैरह सब यहीं से सर्च कर सकते हैं। वेब भी आप डायरेक्ट यहीं से सर्च कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं वेब में सर्च करता हूँ बस टू डिटेक्ट, तो डायरेक्ट यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ जाता है डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे विजिट्स आपको मिल जाते हैं, विजिट्स में काफी सारे विजिट्स हैं, ऐड विजिट्स करके आप और विजिट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टॉप स्टोरीज वगैरह, वेदर वगैरह, स्टॉक्स वगैरह, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो बाकी के जो आइकन्स हैं जो विंडोज 10 में मेरे पास थे, हूबहू वैसे के वैसे यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, तो यहाँ पे ये भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं अपग्रेड करूंगा तो कहीं मेरा डेटा तो नहीं चले जाएगा सी ड्राइव से। तो यहाँ पे मेरा कोई डेटा नहीं गया है, जैसे आइकन्स विंडोज 10 में थे मेरे पास, यहाँ पे वही के वही आइकन्स यहाँ पे एज इट इज हैं, और जो टास्क बार पे प्लेस थे, पिन थे, वो भी एज इट इज आ गए हैं। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे जेन्युइन तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फाइल एक्सप्लोर में भी चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर ड्राइव आइकन्स वगैरह और जो भी चीजें हैं यहाँ पे काफी कुछ चेंज हो गया है। बाकी डिटेल में फीचर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब बात करते हैं कि भैया इसको आपको अपग्रेड करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे सिस्टम पे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में यहाँ पे यूज, तो जाहिर सी बात है कि आप भी इसमें अपग्रेड कर सकते। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में, जब मेरे सिस्टम में विंडोज 10 था यहाँ पे, यानी कि आज सुबह के टाइम, और फिर उसके बाद से मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ डिटेल कि आपको वन बाय वन कैसे टास्क परफॉर्म करना है। वैसे विंडोज 10 में आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको जाना है स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, हमेशा की तरह अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आपको चेक करनी है, यहाँ पे आपका सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए, तभी आप विंडोज 11 में अपडेट कर पाएंगे, यानी कि अगर कोई बची कुची अपडेट्स हो यहाँ पे तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आगे के प्रोसेस यहाँ पे चलाएंगे। देन यहाँ पर जो मैं आपको विंडोज 11 में अपग्रेड करके बताऊंगा, ये ऑफिशियल अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यहाँ पर सभी यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। यहाँ पर ये जो आप यूज करेंगे विंडोज 11 या फिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट एक बीटा वर्जन है जो डेवलपर्स के लिए यहाँ पे अलाउ किया गया है, जिससे कि वो बग्स वगैरह या फिर जितनी भी अनस्टेबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको फीडबैक कर पाए, जिससे कि इस ओएस को सुधारा जा सके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सुविधा देता है विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम की, जिसके अंदर तीन लेवल यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, एक डेवलपर चैनल आपको दिया जाता है, एक बीटा चैनल आपको दिया जाता है, और एक रिवाइज्ड वर्जन चैनल आपको दिया जाता है। तो डेवलपर चैनल में आपको एक फैसिलिटी मिलती है, अगर आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के मेंबर हैं तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपडेट लेके आएगी वो सबसे पहले डेवलपर चैनल के पास अवेलेबल हो। इस अपडेट में काफी सारे बग्स हो सकते हैं, अनस्टेबिलिटी हो सकती है, जिनको डेवलपर्स चेक करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, जिसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट अपने ओएस में सुधार कर पाता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है बीटा चैनल का। बीटा चैनल में डेवलपर चैनल से कम बग्स और एरर होते हैं, लेकिन कुछ एरर्स हो सकते हैं। एक ट्रायल तौर पे यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है इस अपग्रेड को, जिससे कि
ओएस को यानी कि अपग्रेड को टेस्ट किया जा सके। और उसके बाद एक रिवाइज्ड लेवल होता है जिसमें सभी चीजों को दूर करके नॉर्मल यूजर के लिए अवेलेबल करा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम अपग्रेड यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो डेवलपर चैनल के लिए है, और इसके लिए आपको विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का यानी कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसमें मेनली डेवलपर्स यहाँ पे जुड़े होते हैं उसका आपको पार्ट बनना पड़ेगा। विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए आपके पास विंडोज 10 का जेन्युइन लाइसेंस होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर सेम जगह पर आपके पास यहाँ पे नीचे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का एक ऑप्शन आता है, टैब आता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन द विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम टू गेट प्रीव्यू बिल्ड्स ऑफ विंडोज 10 एंड प्रोवाइड फीडबैक टू हेल्प मेक विंडोज बेटर। ठीक है, तो अभी तक हमने विंडोज 11 में यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं। गेट स्टार्टेड करते ही यहाँ पे लोडिंग होती है। यहाँ पर आपसे हो सकता है पूछे कि आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉग इन करना है इस टाइम। ठीक है, मैंने पहले से ही लॉग इन कर रखा है इसलिए मुझसे यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन आया। लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, देन जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर से लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको 3 चैनल बताए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। डेवलपर चैनल यानी कि डीवी चैनल, देन बीटा चैनल, देन रिलीज प्रीव्यू चैनल। तो डेवलपर चैनल में आप देख सकते हैं आइडियल फॉर हाईली टेक्निकल यूजर्स, बी द फर्स्ट टू एक्सेस द लेटेस्ट विंडोज 11 बिल्ड्स अर्लीस्ट इन द डेवलपमेंट साइकिल विद द न्यूएस्ट कोड। तो ये जो साइकिल चल रही है ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको पहले ही बताया कि भाई जो ऑफिशियल अपडेट है वो अक्टूबर नवंबर तक आएगी सभी यूजर्स के लिए। इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर से रोल आउट होना चालू हो जाएगा विंडोज 10 सभी यूजर्स के लिए धीरे धीरे, और नेक्स्ट ईयर तक चलेगा। ठीक है, तो यानी कि अभी ये जो साइकिल चल रही है वो डेवलपमेंट साइकिल चल रही है। विंडोज 11 में जो भी बग्स हैं या फिर जो भी अनस्टेबिलिटी है उनको दूर किया जा रहा है। तो अगर आप उस प्रोग्राम में, उस चैनल में एंटर करना चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे विंडोज 11 का सबसे पहले यहाँ पे अपग्रेड चाहिए और मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मिस्टेक है या फिर किस तरीके के फीचर है, तो आप डीवी चैनल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद बीटा चैनल आता है। बीटा चैनल में आप देख सकते हैं आइडियली फॉर अर्ली अडॉप्टर्स दीज विंडोज 11 builds will be more reliable than builds from our DV channel. यानी कि DV channel से ज्यादा reliable इसमें आपको version मिलेगा Windows का। ठीक है, जाहिर सी बात है कि काफी सारे bugs उसमें दूर हो चुके होंगे। Then एक next आता है रिलीज प्रीव्यू चैनल। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें आपके पास वही अपडेट आएगी जो पूरी तरीके से 99% bugs से दूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे डीवी चैनल सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का मेंबर बनने जा रहा हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं अपनी विंडोज यहाँ पे एक बार। तो रीस्टार्ट कर लिया हमने सिस्टम, वापस से चलते हैं स्टार्ट बटन में और सेटिंग में गए, और सेटिंग में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में गए। ठीक है, एज इट इज वैसे कि वैसे ही जाना है। और यहाँ पर हम वापस से, मैं आपको एक बार विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीवी चैनल यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। हालांकि आप यहाँ पे इस डीवी चैनल पे क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि भाई आपका कौन सा चैनल सिलेक्ट है, और आपके पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप एक बार विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के यानी कि उस कम्युनिटी के मेंबर बन गए हैं, तो यहाँ से आप कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बीटा चैनल चाहिए तो बीटा चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डीवी चैनल के बाद ही यहाँ पे अपग्रेड आए। तो किसके पास यहाँ पे पहले अपग्रेड आएगा ये तो अब आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि भाई इस वक्त, क्योंकि अभी मैंने डीवी चैनल में अपग्रेड कर लिया है, तो इसका मतलब नहीं कि मैं विंडोज 11 में अपग्रेड कर लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो एडिशन है वो विंडोज 10 प्रो ही यहाँ पे आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। अब हमें करना है अपग्रेड। अब हम पार्ट बन गए हैं विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के लिए, तो अब हमारे लिए, क्योंकि अभी तक का जितने भी अपडेट्स हैं वो हम फुलफिल कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं अपने सिस्टम में, और अब हम विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के मेंबर भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे विंडोज की जो अब अपडेट है वो हमारे लिए अवेलेबल होनी चाहिए विंडोज 11 की, क्योंकि वो सभी के लिए अवेलेबल हो चुकी है डेवलपर चैनल में। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक किया, और चेक फॉर अपडेट्स पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ी देर में, यहाँ पे थोड़ी देर चेक करेगा इंटरनेट कनेक्शन से आपका कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू अवेलेबल है और डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है इसको पूरा होने देना है 100% तक। देन इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस भी होगा, उसको भी आपको 100% तक होने देना है। मैं इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है, ये पूरा प्रोसेस आपका टाइम लेगा।
ठीक है, देन यहां पे आप देख सकते हैं जब पूरा प्रोसेस डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, देन यहां पे स्टेटस आपका हो जाएगा पेंडिंग रीस्टार्ट का। देन यहां पे अब आपको रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब रीस्टार्ट करने के बाद प्रोसेस शुरू होता है आपकी विंडोज अपग्रेड होने का। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं अपडेट्स आर अंडर वे 100% कंप्लीट, प्लीज कीप योर कंप्यूटर ऑन। ठीक है, तो यहां पर अब आपको अपना सिस्टम ऑन रखना है। यहां पर विंडोज अपग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हैं सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, और यहां पे अब आपके सामने लिखा आ जाए आपका सिस्टम इतना परसेंट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर रखा है जिससे कि जो टाइम है वो शॉर्ट हो सके। वर्किंग ऑन अपडेट्स यहाँ पे लिखा आ रहा है 50, 60, 87 यहाँ पे परसेंट यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल हो गई है। ये प्रोसेस आपका लगभग आधा से एक घंटे का टाइम ले लेगा कंप्लीट पूरा इंस्टॉल होने में, और बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। और ये प्रोसेस इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लुक है यहाँ पे विंडोज 11 का वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। हाई गेटिंग स्टार्टेड, दिस माइट टेक्स अ फ्यू मिनट, प्लीज कीप योर पीसी ऑन एंड प्लग्ड इन। यहाँ पे विंडोज 11 यहाँ पे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, जिसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सिस्टम में आ जाएगा, जिसको आप देख ही रहे हैं मेरे सिस्टम पे। यहाँ पे मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। लोगों को कन्फ्यूजन था कि जब मैं विंडोज 11 में अपग्रेड करूंगा तो मेरा डेटा तो नहीं चले जाएगा, तो डेटा एज इट इज सेम टू सेम वैसा का वैसा रखा हुआ है, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपका जो ड्राइव साइज बहुत मामूली सा चेंज होगा 1-1.5 GB का, क्योंकि अगर मैं चेक करूँ तो लगभग 13-14 GB के समथिंग मेरे पास उस टाइम फ्री स्पेस था, और अभी 10-11 GB के समथिंग मेरे पास स्पेस है। तो 1.5-2 GB का फर्क पड़ेगा, तो आप सफिशियंट स्पेस रखिएगा, जब आप अपग्रेड करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस प्रोसेस से आप अपग्रेड कर सकते हैं इजीली। तो गाइज ये था एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आप विंडोज 10 से विंडोज 11 में जेन्युइन तरीके से आप किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। किसी भी तरह की ISO फाइल अननोन रिसोर्सेज से अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करें, और अगर आप स्टेबल वर्जन का यहाँ पे वेट करना चाहते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें कुछ अनस्टेबिलिटीज हो सकती हैं, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको यूज़ करते हुए, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ कमियां हैं विंडोज़ में, वो जल्द ही दूर हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।